मॉस्फेट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सो फील्ड इज गोइंग टू अफेक्ट देशन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर आपने इस ट्रांजिस्टर से पहले बीजेटी भी पढ़ा होगा देर आर सेवरल डिफरेंसेज बिट्वीन बीजे टी एंड मॉसफेट लेकिन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसेज को लिस्ट आउट किया है उसको ध्यान से देखिए वन बाई वन तो बीजेटी हमारा थ्री टर्मिनल डिवाइस है एमिटर बेस कलेक्टर

कोई एक ही आपका मेजर रोल प्ले कर रहा होगा या करंट डिफाइन करने वाला फैक्टर है इसीलिए मॉसफेट को यूनिपोलर डिवाइस बोला गया है बीजेटी आप जानते हैं कि बाईपोलर डिवाइस है कंट्रोलिंग फैक्टर बीजेटी में करंट है डेट मींस कि करंट जो है वो बीजेटी की ऑपरेशन को कंट्रोल करता है जैसे आई ई आई बी आई सी ये सब आपने पढ़ा था अल्फा एंड बीटा ये पैरामीटर्स पढ़े थे सो so, मॉस्फेट जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जैसा कि जेफिट यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपने देखा नेक्स्ट इज इनपुट इंपीडेंस बीजीटी हैज लोअर इनपुट इंपीडेंस देन मॉस्फेट मॉस्फेट का हाई इनपुट इंपीडेंस होने की वजह से इसमें नॉइज भी काफी कम होती है और पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है वैसे पावर कंजम्पशन कम होने के ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और इनपुट इम्पडेंस इसका ज़्यादा है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके उल्टे आपके बीजीटी में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है जो भी कारंट बेसिक डिवाइसेस होंगी उनमें पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है फैब्रिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बीजेटी और मॉसफेट का तो बीजेटी का फैब्रिकेशन कॉम्प्लेक्स है लेकिन मॉस्फेट का काफी सिंपल है इन कंपैरिजन टू बीजेटी और इसीलिए तो मॉस्फेट को आज भी हम यूज कर रहे हैं मॉस्फेट का सिलिकॉन एरिया भी काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू बीजेटी ये दोनों ही फैक्टर्स इसको बहुत ही यूजफुल बनाते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में एप्लीकेशंस की बात करें तो मॉस्फेट हमारा स्विचिंग डिवाइसेस में ज़्यादा यूज होता है लेकिन आज हम इसको एनालॉग और मिक्स सिग्नल डिवाइसेस में भी यूज कर रहे हैं वहीं बीजीटी जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करें तो बहुत अच्छा हमें एडवांटेज देता है नेक्स्ट बीजीटी एंड मॉस्फेट डिवाइसेस अगर आपके सामने हो, तो आप उनको कैसे पहचानोगे तो लैब के ए, अगर हम लैब के एस्पेक्ट से बात करें तो हमारे पास इस तरीके की डिवाइसेस होती हैं तो ये जो है ये हमारा मॉसफेट है आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला कि फोर टर्मिनल डिवाइस होती है यहाँ पे हमें थ्री पिंस दिख रही हैं यस yes, थ्री पिंस इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये इसमें जो सोर्स और बॉडी की पिन होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है तो मोस्टली हम लैब में ऐसी ही डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो पिन वन लेफ्ट साइड से देखें तो वो गेट है देन ड्रेन देन सोर्स बहुत ईजी है इसको याद करना नेक्स्ट ये आपका बीजेटी है इसमें से आपने शायद लैब में इसको और ये मेटल कैप टाइप को ज़्यादा यूज किया होगा सो so, दोनों में ही आप देखें तो लेफ्ट साइड से कलेक्टर बेस एमिटर इसी सीक्वेंस में होगा लेकिन जहाँ रेक्टेंगुलर टाइप का बीजेटी होगा तो वहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो जाता है लेफ्ट में आपका बेस होता है देन कलेक्टर देन एमिटर तो ये हमारे डिवाइसेस uh, हो गए जो हम लैब में यूज करेंगे MOSFET और बीजेटी uh, के लिए सो दिस मच इन दिस वीडियो आगे हम देखेंगे कि हमारे कौन से दो मेजर टाइप के मॉस्फेट्स होते हैं जैसे एन मॉस एंड पी मॉस क्योंकि जो मॉस्फेट है वो यूनिपोलर डिवाइस है तो जो ज, ज, जिस जिस टाइप का हम एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर यूज़ करेंगे वैसे मॉस्फेट बन जाएगा और मॉस uh, स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि करंट कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अगर आपको ज़रा भी प्रॉब्लम है कुछ भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर प्लेस करिए आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच